हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब होप सब सेफ होंगे सुरक्षित होंगे 18 जुलाई 2020 को सीबीडीटी ने एक प्रेस रिलीज जो है इश्यू करी है तो आइए देखते हैं उस प्रेस रिलीज़ में क्या कहा गया है सीबीडीटी टू स्टार्ट ई कैंपेन ऑन द टैक्स फॉर द फाइनेंशियल फ्रॉम ट्वेंटी जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी

वो बेसिकली ये कैंपेन उनके लिए है उन एस के लिए जिन्होंने या तो रिटर्न फाइल नहीं करी है ईयर की या फिर फाइल तो करी है लेकिन उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी कोई डेफिशिएंसी है तो उसके रिगार्डिंग में ये जो है ई e कैंपेन चलाया जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ई कैंपेन इज टू फैसिलिटेट टैक्स पेयर टू वैलिडेट ऑनलाइन रिटर्न फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पेशली फॉर द एस फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंड टू प्रमोट सो दैट दे डू नॉट गेट

ईमेल या एसएमएस के थ्रू जो है एसएससी से इंक्वायरी लेगी वहां पे डिटेल मांगेगी द डिपार्टमेंट हैज आल्सो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जीएसटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड जी इन सिक्योरिटीज एक्सपोर्ट इम म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा अंडर द इंफॉर्मेशन ट्रेगुलेशन सेटअप एंड डाटा एनालिसिस चाहे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को जीएसटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर सिक्योरिटीज डेरिवेटिव कॉमोडिटीज म्यूचुअल फंड्स यहां से इंफॉर्मेशन मिले कई बार ऐसा हुआ है कि 18, 19 की जीएसटी की जो रिटर्न्स हैं, उसमें टर्नओवर डिफरेंट है और जो तर, और जो इनकम टैक्स है वो अलग है दोनों तो वेरी कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में जो है डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन मांग सकता है इट इज ऑल्सो स्टेटेडाजीफाइड सर्टन टैक्समेंट इन ट्वेंटी ऐसे भी ने करें हैं, जहां पे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हुई है बट फिर भी अभी तक जो है एस की रिटर्न फाइल नहीं हुई है जैसे कि हम सब जानते हैं इकतीस जुलाई दो जो है लास्ट डेट है फाइनेंशियल ईयर की 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 इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने लेकिन टिल डेट कई केसेस में जो है ट्रांजैक्शन हुई है पर रिटर्न नहीं आई तो ऐसे केसेस को भी जो है डिपार्टमेंट कंसर्न करेगा इन एडिशन टू द नॉन फाइलर विद द इनकम टैक्स रिटर्न कई केसेस में तो रिटर्न फाइल नहीं हुई बट कई केसेस ऐसी हैं पे रिटर्न फाइल हुई है, बट वो ट्रांजेक्शन जो है इनकम टैक्स से अलाइन नहीं हो रही काफी, है, उसमें, जो में काफी है तो ऐसे केसेस में भी जो है क्वेश्चन मेल या एस के थ्रू जो है डिपार्टमेंट पूछ सकती है अब फर्दर अंडर द अंडर दिसंपियन द टैक्स पेयर विल बी एबल टू एक्सेस डिटेल ऑफ द हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन डेजिग्नेटेड पोर्टल शन होगी uh, और एस एस सी उसका रिस्पॉन्स जो है ऑनलाइन ही कर सकता है और उसको उसके लिए उसको क्या क्या ऑप्शन प्रोवाइड होंगे फर्स्ट जो है इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट जो भी इनमें से ऑप्शन में से सुटेबल एस एस सी को लगेगा वो उसको uh, टिक कर देगा तो ऐसे में पहला ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट अगर इन्फॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट uh, ने पूछी है अगर वो सही है तो वो इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट में टिक कर देगा अगर एस के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट हो सकती है थर्ड ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पर्सन या फिर अनदर ईयर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने एक्सेस करी है वो उस एस के रिगार्डिंग में ना उस एस के रिस्पेक्ट में ना हो या फिर वो उस ईयर के रिस्पेक्ट में ना हो तो वो भी ऑप्शन दिया गया है फोर्थ है इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट और इंक्लूडेड इन द इन अदर डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन तो ऐसा भी हो सकता है कि डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन है तो वहां पे भी रिस्पॉन्स का ऑप्शन है इंफॉर्मेशन इज डिनाइड अगर इंफॉर्मेशन जो है अनसेटिस्फेक्ट्री है तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिनाई भी कर सकते हैं दे वुड बी नो नीड टू विजिट इनकम टैक्स ऑफिस ए एंड रिस्पॉन्सिट सबमिट ऑनलाइन जो भी रिस्पॉन्स इसमें देना है ई कैम्पियन में वो ऑनलाइन ही दिया जाएगा इसके लिए डिपार्टमेंट विजिट करने की जरूरत नहीं है

जैसे कि इसमें काफी बेनिफिट है एस के लिए तो यहाँ पे कहा गया है कि प्लीज इसमें जो है इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाए होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ टिल देन बाय बाय जय हिंद जय भारत